बेटा अच्छे तस्वीर अच्छे बोतल बोतल अच्छी वो कैमरे में देखेगा बोतल अच्छी इसे कैमरा पसंद नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान आने के बाद फैमिली टाइम है। बाहर तो हमने खाने शाने खूब चेक किए तो अभी फैमिली के साथ यहाँ पे खाना खाने के लिए जा रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा से हूँ तो यहाँ डोमिनो पिज़्ज़ा की ब्रांच अभी ओपन हुई है दिसंबर में, गालबन दिसंबर में। तो अभी जा रहे हैं उकाड़ा और वहाँ से मैं और फैमिली साथ है तो हम इंशाल्लाह ताला आज डोमिनो पिज़्ज़ा चेक करेंगे कि यहाँ पे उसका टेस्ट कैसा है। आज काफ़ी अर्सा के बाद तशबीब भी हमारे साथ जा रही है। तशबीब बचपन में जाया करती थी तो इसने बड़ा तंग किया है। आराम से बैठी रहती जब खाने का टाइम होता, तशबीब इतना शोर कर देती। हम कहते हैं कि तशबीब पहले तुम चुप करके बैठी थी, अबे क्या हो गया। तो लेट्स सी, अब तशबीब बड़ी हो गई है, बातें समझती है। आज उम्मीद है कि तशबीब आज तंग नहीं करेगी बल्कि मज़े से हमारे साथ खाना खाएगी। तशबीब क्या खाना है? पिज़्ज़ा। क्या? पिज़्ज़ा। 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 और किस कलर का पिज़्ज़ा खाना है? पिंक। चलो ठीक है। आम दिनों में जब आप खाना खाने के लिए बाहर जाएं तो एक एक्साइटमेंट होती है, एक लुत्फ है जो आप उठाते हैं और वो खाने का। लेकिन ये जो मौसम इस वक्त है, आज 6 जनवरी 2023 हो चुकी है और हमें दो एंटरटेनिंग हम करेंगे, एक तो खाना और दूसरा ये खूबसूरत मौसम जो साथ में आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज धुंध ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है और इसका भी एक अपना ही मज़ा है। और उसमें थोड़ा सा आपको मोहतात होकर गाड़ी तो चलानी पड़ती है लेकिन मौसम ऐसा खूबसूरत है कि खाना खाने के साथ इसका भी लुत्फ आप उठाएंगे। ये है उकाड़ा की सबसे मशहूर पहचान, हज़रत करमावाला शरीफ, और उनका दरबार है यहाँ पे। साल में उर्स होता है तो बहुत से अकीदतमंद यहाँ पे उर्स के दौरान तशरीफ़ लाते हैं। बाहर से तो कोई इतना ज़्यादा इम्प्रेशन नहीं है। आई थिंक इनको पार्किंग के लिए कुछ जगह देखनी पड़ेगी। और अंदर से बात करें तो हाँ, सेटअप अच्छा है। ये KFC स्टाइल का है, उकाड़ा में जिस तरह KFC है। और दूसरा आप कर रहे हैं स्टफ्ड क्रस्ट। नहीं नहीं, ये आपने अभी स्टफ्ड क्रस्ट जो है शुरू नहीं किया या अभी आज के दिन नहीं है? आज के दिन ये शुरू ही नहीं किया था लेकिन। और एक कर दो लावा केक। लावा केक तो होगा ना सर? एक 360 का एडम सबके टू ले ले, 400 के दो मिल जाएंगे। क्या चीज? लावा केक। एक 350 का एडम सबके 400 के दो मिल जाएंगे। हाँ ठीक है, 2 पीस कर दो। ओके सर, 3700 आपकी पेमेंट थी, ठीक है, आप पे डिस्काउंट। अब जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो कोशिश करें कि आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उससे पेमेंट करें, क्योंकि जैसे यहाँ मोहतरमा ने बताया कि डेबिट कार्ड से अगर आप पे करेंगे तो ये आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके दैट्स इट। तो अभी मैंने डेबिट कार्ड से पेमेंट की तो 30% डिस्काउंट के साथ 3700 कुछ था और 2600 कुछ रह गया। तशबीब को हम पहले ही बता चुके हैं कि पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं, तो अब तशबीब जब से यहाँ आई है तो पिज़्ज़ा की जा रही है। ये बिल मैंने अभी तशबीब को दिखा दी है कि भाई ये अभी बिल हुआ है, पिज़्ज़ा भी आने वाला है, तो तशबीब से बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या खाना है? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा खाना है। और कौन से कलर का? पिंक कलर का खाना है। अब लेट्स सी, वो है तो ब्राउन कलर का, ये कलर का कोई मसला लगा है। इनके यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको स्पेस फैमिली वाली सही से मिल नहीं पाती, तो हमें कुछ ये मिल रही थी जगह, आप देखिए, तो ये दीवार के बिल्कुल साथ, दीवार की तरफ मुंह करके यहाँ पे बैठ रहे हैं तो हम कुछ सिक्योर हैं यहाँ पे। तो ये आ गया जनाब हमारा ऑर्डर, अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ। ओह, तो ये इन्होंने केक जो है ये साथ ही दे दिया, मैं समझ रहा था शायद बाद में आएगा, तो आखिर इसको टेस्ट करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में देखते हैं। हाँ, और इसके बाद लेट्स सी, शोर बहुत ज़्यादा है आवाज़। ये रहा हमारा पिज़्ज़ा, डबल मेल्ट पिज़्ज़ा, इसमें चिकन है, ऑलिव, ऑनियन, चीज़ एंड टेस्ट अभी ट्राई करते हैं। तो ये है हमारा पिज़्ज़ा डबल मेल्ट, जो उनकी फरमाइश पे हमने
ये कर दिया कि वो जो हमने कहा था वो उनके पास है नहीं। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे भाई पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा यहाँ पे इसको थोड़ा सा कर लें हाफ। ये देखिए, तो यहाँ पे इसको लगा लेते हैं ज़रा केचप। इनकी ख़ास बात ये होती है कि ये बड़ी बारीक सी इनकी जो रोटी है ना, तो ये बहुत बारीक होती है। डोमिनो पिज़्ज़ा की यही बात डिफरेंट है, ये इटालियन स्टाइल की है ना। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। जिस तरह का नाम है इसका, कोई वैसा बहुत वो हिट नहीं किया टेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह खाने वाली चीज़ है, लेकिन जिस तरह नाम है उस तरह कुछ इसका वो करंट आया नहीं। हालांकि उकाड़ा में ही एक दूसरी ब्रांड है, उसका टेस्ट इससे ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे। शायद ये अभी शुरू किया इन्होंने, तो इसलिए थोड़ा बहुत अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो एक और ब्रांड है उसका मुझे इससे बेहतर लगता है। और अभी सीन ये हुआ कि लाइट भी यहाँ पे चली गई थी, अभी लाइट आई है, तो लाइट में तस्वीर ने जो है वो रोना शुरू कर दिया। अब बारी है डायनामाइट किकर्स की। ये चिकन बॉल्स हैं, लेकिन इन्होंने तस्वीर के अंदर ये बना रखे थे कि इसके ऊपर भी सॉस था, लेकिन उन्होंने हमें साइड पर यहाँ दिया। तो ये इसके अंदर से हैं जनाब, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से, और बहुत ही वाइट किस्म का, बल्कि पिंक नज़र आ रहा है। तो तशबीब जो पिंक पिज़्ज़ा कह रही थी, पिंक पिज़्ज़ा तो नहीं आया, लेकिन ये चिकन नगेट्स जो हैं, बल्कि किकर्स जो हैं, ये उसी तरह के। अब इनको टेस्ट करके देखते हैं, यहाँ पे करेंगे डिप और इसको टेस्ट करते हैं। ये चीज़ इनकी बढ़िया हुई। इसको एक और अगेन करेंगे डिप इसके साथ अच्छी तरह से, और ये सॉस वैसे उन्होंने थोड़ी दी है। ये देखिए, ये जनाब, ये अच्छा, लेकिन ये जैसे सर्व करते हैं पिक्चर में वैसे ही होना चाहिए। पिक्चर में इसके ऊपर ये सॉस है, और वो देखते ही लगता है कि ये कोई और चीज़ आ गई है, लेकिन अच्छा टेस्ट है भाई इसका। आइसक्रीम के शौकीन हजरात कहते हैं कि आइसक्रीम खाने का मज़ा सर्दी में ही आता है। इस तरह ये भी कुलिया है कि चाहे गर्मी हो या सर्दी, ये फुल ठंडी होनी चाहिए। डोमिनो पिज़्ज़ा वालों, अगर कोई ब्लॉग देख रहा हो तो यार ये कम अज़ कम ठंडी कर दिया करो, कि इसी से लुत्फ बनता है खाने का। ये बस नॉर्मल है, और खाना हम खा चुके हैं यार। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको बताएं तो अभी इनका वो केक रह गया, लावा केक, वो ट्राई करूँगा वो कैसा है। लेकिन जिस तरह से डोमिनो का नाम है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वैसा कुछ हमें यहाँ पे इम्प्रेस नहीं कर पाया। लेट्स सी कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो अपना टेस्ट है वो बेहतर करेंगे। पिज़्ज़ा कैसा था? अच्छा, ये चिकन खाएगी बेटी? चिकन है, चिकन पिज़्ज़ा खाना है? ये लो, ये पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा खाओ। कैसा है, कैसा है, कैसा है बेटा? अच्छा, ले जी, शुक्र है कि तशबीब को पसंद आ गया। वो आराम से स्पाइस काफ़ी है, तो ये साथ में बार बार बोतल पी रही है। बेटा अच्छा है तशबीब? अच्छा, बोतल बोतल अच्छी है? वो कैमरे में देखेगा, बोतल अच्छी है? इसे कैमरा पसंद नहीं है मैम, कैमरा में नहीं देखना। चलो बाय बाय कर दो कैमरे को, बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। तो अभी लास्ट पे इनका ये लावा केक बचा है, तो इसको भाई ट्राई करते हैं। लेट्स सी के ये कैसा बना हुआ है। इसके अंदर ये चॉकलेट आई थिंक, और इसी से बनाया है इसको। ये देखिए ज़रा, वाह, देखने से तो अच्छा है। लेट्स सी, ट्राई करते हैं। ये चीज़ सबसे बेहतर है भाई, अभी भी बहुत गर्म है और बहुत मज़ेदार है। आप इसके अंदर ये देखिए ज़रा, ये अभी भी कैसे मेल्ट है, चॉकलेट ब्राउनी की तरह है। ये कोई ब्राउनी की बहन ही लगती है, ब्राउनी का बल्कि ये भाई लगता है, ब्राउनी का भाई लावा।
लाहौर दा बाबा अख्तर लावा, ये कुछ वैसा लग रहा है मुझे। ये वाकई भाई इनके खानों में ये पावा ही है, बल्कि लावा है। वाह सुभान अल्लाह, ये अच्छी आइटम जो है वो लास्ट पे नसीब हो गई है। सब अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह यार, लेकिन बहुत अच्छी वो लास्ट पे। डोमिनो का एंड ऐसा हो गया कि अब दोबारा भी हम आ सकते हैं किसी और चीज़ के साथ, इसको ट्राई करेंगे, ये लावा केक को। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज। अल्लाह का फजल ऐसे शानदार किस्म के खाने वो देता है और फिर खाने की तौफीक भी देता है, वरना एक उम्र आएगी कि ये खाने हम नहीं खा पाएंगे, परहेज़ होगा, डॉक्टरों के मशवरे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो इतने अच्छे खाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना, बार बार शुक्र अदा करना वो बनता है। और हम हर वक्त ये कोशिश में रहते हैं कि या अल्लाह जितनी ज़िंदगी है सहूलत के साथ बग़ैर किसी चीज़ के परहेज़ के इसी तरह खाते पीते वो गुजर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी जा रहे हैं वापस, मौसम अभी भी क्लियर है, कोई धुंध वाला सीन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये देख के आपको कैसा लगा। मुझे तो बनाते हुए बहुत ही ज़बरदस्त लगा। अस्सलामुअलैकुम, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।